दोस्तों, अगर आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप पार्ट वन के छात्र हैं या पार्ट टू के छात्र हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में रिजल्ट से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ पार्ट वन के बारे में, जिनका सेशन 2020 से 2023 है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा, और बीए वाले छात्रों का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। तो आप लोग अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, इससे पहले भी हमने बताया, सेम पैटर्न है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। विजिट कीजिएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। वैसे अभी जारी नहीं किया गया, आज शाम तक जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बीएससी यानी साइंस वाले छात्रों का रिजल्ट और कॉमर्स वाले छात्रों का रिजल्ट पहले जारी कर दिया है। उसमें जो भी छात्र अब्सेंट हो गए होंगे, जिसके कारण वो प्रमोट दिखा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट तो अभी शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक मार्कशीट अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडेंट किस कारण से प्रमोटेड हुए हैं, पहले नंबर। दूसरे नंबर, जिनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, तो वो छात्र अभी जाकर अपने महाविद्यालय में, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, आपके अपने कॉलेज में जाके एक अप्लीकेशन देना है। आप अप्लीकेशन कैसे देना है और कैसे लिखना है, ये सभी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप वहाँ विजिट कर लीजिएगा। आपको अप्लीकेशन कैसे लिखना है, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये भी आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं जिनका सेशन 2019 से 2022 है, पार्ट टू के स्टूडेंट हैं, उनका तो रिजल्ट आ गया, लेकिन उसमें ईएक्स रेगुलर वाले स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ चुका है, बीए बीएससी बीकॉम, सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिए, आप लोग का मार्कशीट के अनुसार आपका रिजल्ट दे दिया गया है। अब आप लोगों में से जो भी छात्र वो ऑनर्स पेपर में एब्सेंट हो, या आप सब्सिडी पेपर में एब्सेंट हो, या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो, तो आप लोग अपने महाविद्यालय के द्वारा सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको महाविद्यालय में जाकर एक आवेदन देना पड़ेगा। तो आवेदन कैसे लिखना है, हमने पहले ही बताया कि आप लोग टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग को कैसे आवेदन देना है, इसकी जानकारी हमने एक दिन पहले पुष्टि कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग जाके वहाँ से देख के और अपना लिख सकते हैं। और इसके बाद आवेदन लिखने के बाद आप अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे, जमा करने के उपरांत ही आपको 2 से 4 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट सुधार करके दे दिया जाएगा। और दोस्तों, जान लेते हैं जो स्टूडेंट ईएक्स रेगुलर वाले हैं, जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, और वैसे कैंडिडेट, ध्यान दीजिए, जो रेगुलर से हैं, वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट किसी कारण से शो नहीं किया, वो पार्ट वन के हैं या पार्ट टू के हैं, अगर उनका पीडीएफ में नाम नहीं है या उनका वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट अपने महाविद्यालय के प्रति जाके एक आपको आवेदन देना है। वो आवेदन महाविद्यालय के द्वारा यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा और उसका सुधार करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी के पास यानी नए डाटा सेंटर के पास कोई डाटा नहीं है, वो डाटा अपने महाविद्यालय से ले रहा है, तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में किसी कारण से आपका डाटा मिसमैचिंग के कारण हो सकता तो अपलोड नहीं हुआ होगा, या किसी कारण से आपका डाटा वहाँ पर सेव नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण आप लोग का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो इस अवस्था में आप लोग अपने महाविद्यालय से कांटेक्ट कीजिए, उनका हल हो जाएगा। अब देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन सत्र 2020 से 2023 तथा बीए बीएससी बीकॉम पार्ट टू सत्र 2019 से 2022 परीक्षा 2021 के वैसे छात्र छात्राएँ जिनका परीक्षा फल लंबित या प्रोनेट यानी आपका पेंडिंग रिजल्ट है, या आपको प्रमोटेड कर दिया है, यथा किसी कारणवश परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जा सका है, वैसे छात्रों से आवेदन प्रवेश पत्र की छाया पत्री जिसमें उत्तर पुस्तिका की संख्या अंकित हो, यानी एडमिट कार्ड, यानी आपको प्रूफ में क्या देना है, पहले नंबर तो आपको एक आवेदन लिखना है, प्रूफ में आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी अंकित करना है, अपना एडमिट कार्ड जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उस समय जब आपके टीचर सिग्नेचर करते हैं प्रेजेंट होने का, उसका एक फोटोकॉपी लेके, और साथ में आप लोग ना एडमिशन वाला जरूर रसीद लगा दीजिएगा, ये भी, तो ये सभी लेके अपने कॉलेज में जाइए, जमा कीजिए, कॉलेज के द्वारा विशेष दूत के द्वारा वो आपके यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, फिर आपका रिजल्ट सुधार करके दे दिया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं प्रमोटेड स्टूडेंट के बारे में, जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए थे पार्ट टू में और उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, तो उनका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। दोस्तों, वैसे बताया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा,
तो कुल मिला के समझिए कि 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, और इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।